हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों के दिमाग में कि जो हमारे सैंड होती है, फाइन सैंड जो होती है, जिसको हम कंक्रीट में यूज करते हैं, उस फाइन सैंड में हमें सिल्ट कंटेंट की परमिसेबल लिमिट क्या लेनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए सिल्ट क्या होता है पहले ये समझिए। सिल्ट हमारा होता है फाइन एग्रीगेट या कोई भी एग्रीगेट में अवेलेबल वो पार्ट जो 75 माइक्रोन से कम हो साइज जिसका, और 20 माइक्रोन से ऊपर वाला जो पार्टिकल होता है, 75 माइक्रोन से नीचे और 20 माइक्रोन से ऊपर वाला जो पार्टिकल होता है वो सिल्ट कहलाता है। और सिल्ट जो हमारा होता है वो नॉन प्लास्टिक मटेरियल होता है। ठीक है, और 20 माइक्रोन से लेके आपके जो नीचे वाला पार्टिकल है वो हमारा कहलाता है क्ले। ओके राइट, तो हम जब सैंड में सिल्ट कंटेंट का टेस्ट करते हैं फ्रेंड, तो हम उसमें दो प्रकार से सैंड का सिल्ट कंटेंट टेस्ट कई बार करते हैं। जनरली हम जो ज़्यादातर यूज में होता है वो होता है हमारी वॉल्यूमेट्रिक मेथड, यानी कि हम जो जार होता है जार में सैंड को फिल करते हैं, उसको वाटर से फिल कर लेते हैं और फिर उसको सेक करने के बाद कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, जिससे हमारा जो सिल्ट होता है वो हमारी सैंड के ऊपर एक पतली लेयर बना लेता है। ठीक है, तो ये हम जनरली प्रोसीजर यूज में लाते हैं सैंड के सिल्ट कंटेंट के टेस्ट के लिए। ठीक है, और जो फील्ड लैब में हम यूज करते हैं प्रोसेस फ्रेंड, वो होती है हमारी सीविंग मेथड। आप इसमें क्या करते हैं, 75 माइक्रोन से जो सैंड होती है उसको वाश करते हैं, और वाश करने के बाद जो भी आपका वेट में डिफरेंट आता है वो वेट में डिफरेंट का परसेंटेज निकाल के आप उसका सिल्ट कंटेंट डिटरमाइन करते हैं फ्रेंड। देखो फ्रेंड, तो कन्फ्यूजन यहाँ ये है कि अगर आप सीविंग मेथड से सिल्ट कंटेंट टेस्ट कर रहे हैं या वॉल्यूमेट्रिक मेथड से सिल्ट कंटेंट का टेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों के लिए परमिसेबल लिमिट क्या होनी चाहिए। बहुत ही बड़ा डाउट है फ्रेंड, अभी तक मुझे भी इसमें कई डाउट थे, तो ये मैंने सेंट्रल PWD की एक बुक पढ़ी है, जो सेंट्रल PWD का क्वालिटी मैनुअल है, उसमें देख दिया हुआ है कि अगर हम सीविंग मेथड से अगर सिल्ट कंटेंट का टेस्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये लिखा है डिलीट्रियस मटेरियल, तो हमारा सिल्ट होता है वो भी एक प्रकार का डिलीट्रियस मटेरियल होता है, यानी कि जो सैंड में अनावश्यक मटेरियल जो है वो कहलाते हैं डिलीट्रियस मटेरियल, तो सिल्ट भी हमारे सैंड में एक अनावश्यक मटेरियल है। तो जब आप इसको सीविंग मेथड से टेस्ट कर रहे होंगे, सीविंग मेथड में टेस्ट करने के लिए आपको 75 माइक्रोन का यूज करना है। ठीक है, तो इस पे 75 माइक्रोन पे जो परसेंटेज पासिंग है वो आपका 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3% आपका अलाउ हो, यानी कि सीविंग मेथड से सिल्ड कंटेंट टेस्ट करते टाइम आपकी जो परमिसेबल लिमिट रहेगी वो 3% रहेगी। ओके, अब हम चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड पे। देखिए क्या होता है फ्रेंड, आपके जब कोई भी IS कोड 2386 ले लीजिए या IS 383 ले लीजिए, तो उसमें फाइन सैंड के या जो आपकी सैंड आप कंक्रीट में यूज कर रहे हैं उसमें सिल्ट कंटेंट बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड से टेस्ट करने की प्रोसीजर नहीं दी हुई है और ना ही उसकी परमिसेबल लिमिट दी हुई है, लेकिन CPWD के मैनुअल में हमें वॉल्यूमेट्रिक मेथड से सिल्ट कंटेंट टेस्ट करने के बारे में बताया गया और उसके लिए परमिशन लिमिट भी दे गई है। चलिए देखते हैं कि वो लिमिट कितनी है। ओके, सिल्ट कंटेंट वॉल्यूमेट्रिक मेथड से अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें CPWD के क्वालिटी मैनुअल में दिया हुआ है कि आपकी जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट रहेगी वो रहेगी 8%। ठीक है, आप इसमें बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड से 8% तक सिल्ट अलाउ कर सकते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ और दे रखी है, एज स्पेसिफाइड इन दी टेंडर। देखिए अगर टेंडर में दिया हुआ है कि आपको सिल्ट कंटेंट है वो लिमिट कर दिया है, मान लीजिए टेंडर में कि आप 5% से कम सिल्ट वाली सैंड यूज करना है, तब आपको टेंडर की ही टर्म्स माननी होगी। लेकिन अगर टेंडर में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि आपको सैंड में कितनी सिल्ट अलाउ है, तब आप मैक्सिमम 8% बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड से आप इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये डाउट था मेरे मन में भी, ये काफ़ी समय से डाउट था, तो मैंने सोचा कि आपके मन का भी डाउट क्लियर करूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है फ्रेंड। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में।